हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साबिया, हेलो। सायला। हाँ हाँ, आप दोनों यहाँ पे मेरी क्लास में। मैं आपका टीचर मुश्ताक अब्बासी, गर्ल्स मिडिल स्कूल चित्रकूट से। आपकी जी 7th की क्लास आज लेंगे हम, यूनिट फर्स्ट से है। आप साबिया और सायला दोनों सुन रहे हो? जी हाँ साबिया, आप बात करो जरा सायला से, आपको आवाज आ रही है, उससे बात करो, जरा पूछो उसका हाल क्या है। सायला कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, घर पे सब ठीक है? जी ठीक हूँ। आपके घर में सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। चलो चलो ठीक है, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को सुन रहे हो। चलो, हमारा ये 7th की क्लास है, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, जो आपका यूनिट 1 का एक चैप्टर है। तो बेटा मुझे बताओ, आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किसे कहते हैं? आपको कुछ इस बारे में पता है क्या गुलाब बेटा? पौधों में? गुलाब वेरी गुड। पौधों में गुजा का अमल जो होता है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं उसको, है ना? तो न्यूट्रिशन क्या है, ये आप यहाँ पे अपने जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है वो आपने सामने रखो। न्यूट्रिशन जो है इज द मूड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, वो जो भी गुजा लेता है एंड उसके बाद फिर उसको वो यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में, एनर्जी को फिर वो पैदा करता है, उसके लिए एनर्जी बनती है ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे देखो, न्यूट्रिशन दो टाइप की होती है। देयर आर टू मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे आपको देखो, ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे एक साइड है और हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो पौधे अपनी गुजा खुद बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉफिक होती है उसमें एनिमल्स, मेन वगैरह और नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक है, हाँ, हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड होते हैं ऑन अदर्स, जैसे इनमें एनिमल्स आते हैं, मेन आता है, हम जैसे प्लांट से गुजा लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, है ना? साबिया आप बताओ, एनिमल से हम कोई ऐसी गुजा का नाम बताओ जो लेते हैं? साबिया, मिल्क, वेरी गुड। और सायला आप बताओ, जो हम प्लांट से लेते हैं कोई ऐसी गुजा? फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेरी गुड। ठीक है, अब हम चलते हैं, इनमें जो प्लांट्स हैं वो जब अपनी गुजा बनाते हैं वहां पे एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के जरिए वो अपनी गुजा बनाते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपनी खुराक खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी मौजूदगी में? वेरी गुड, सनलाइट, सूरज की रोशनी में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं उसमें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और प्लांट्स ये जो वाटर है ये अपनी जड़ों से लेते हैं प्लांट्स। ठीक, और जब फोटोसिंथेसिस जब हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस